सर्व विघ्नों को नाश करने वाला है, सर्व सुखों को देने वाला है। ये ग्रंथ का ही मंगलाचरण नहीं है, जीवन के हर कार्य का मंगलाचरण है। कोई भी कार्य करना हो पंच परमेष्ठी की स्मरण पूर्वक करें। और पंच परमेष्ठी की स्मरण का क्या मतलब हुआ कि पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान ने जिस शुद्धात्मा को बताया है उसका स्मरण करें। देखो भाई, गाड़ी में दो पहिए होते हैं, गृहस्थी जीवन के पति पत्नी और ये सभा की सभा और सभा नायक, संघ नायक और संघ, संघ नायक आचार्य भगवान और संघ, संघ कौन सा होता है? ऋषि मुनि और यति अनिगार, ये तो है मुनराजों का, मुनि आरिका श्रावक श्राविका। आप जानते हैं चार पिलर्स होने चाहिए कम से कम बिल्डिंग खड़े होने के लिए, और एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो एक मारुति का लगा दो तो कैसे चलेगा? आचार्यों की भक्ति, आचार्य केवल पंचाचार का पालन ही नहीं करते, पालन कराते भी हैं। और कराते हैं मतलब ये भी भद्र परिणामी शिष्य भी इतने मंद कसायवान होते हैं, आचार्यों के उपदेश को आदेश समान मानते हैं, आचार्यों के उपदेश समान को ही आदेश समान मान करके उसका बड़े हर्ष से अपने आत्महित के लिए सेवन करते हैं। तब वे आचार्य भगवान निमित्त कहलाते। न पालने वाले को आचार्य क्या पलवाएंगे? जैसा आचार्य का रूप है आचार्य प्रभावक है, अनंत भगवान प्रणेता है, धर्म तीर्थ के नीता प्रणेता, केवली प्रणतम धम्मम शरणम बबुजाम, केवली भगवान द्वारा बताया गया था, बनाया गया नहीं बताया गया। बनाया किसने? कि बनाने की कोई बात ही नहीं। तुम कहोगे बनाया किसने, हम कहेंगे मिश्री का मिठास किसने बनाया। काय की सब्जी बना लें लौकी की, तो लौकी की लौकी बनाओगे कि कुछ और बनाओगे? लौकी की सब्जी से तुरई की सब्जी तो नहीं बना लोगे। केवली भगवान ने यह धर्म तीर्थ बताया है, केवली भगवान से पहले भी धर्म तीर्थ था, और नहीं तो बे केवली कैसे हुए ये तो बताओ। किसने बनाया? खोज करते चलो, कोई नहीं मिलेगा और छोड़। कि न हूं न करो न धरे को, सर द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माए बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। किसी ने बनाया नहीं है, बताया है। और बताया का अर्थ क्या है? जो जाने उसके जानने में निमित्त है। हमें मानना ही नहीं, हमें जानना ही नहीं, नहीं जानना नहीं मानना रहने। ताई सुनो भाई मन थेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अपने कल्याण करना हो तो ये बात है, कल्याण के अनेक मार्ग नहीं है, कल्याण का एक ही मार्ग है।
जो जीव पंच परमेश्वरों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनका बताया हुआ मार्ग कोई सड़क तो नहीं है, रत्नत्रय मार्ग चलता है, माने श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है आज भली प्रकार से। ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमारी समझ में नहीं आती, समझना पड़ेगा। अरे ये तो समझो कि इसमें हमारा हित है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे, हमारी समझ में ही नहीं आता, हमारी समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं से आएगा, समझाने से नहीं आएगा। सोचो अपन तो मनुष्य हैं, तेजंत गति में भी पशु, शेर, हाथी, गिद्ध पक्षी, बैल कैसे समझ गए? हमें समझने की गरज नहीं है, हम अपने को समझदार मान बैठे हैं, अपनी अटकलें लगाने में चतुर हो गए। ऐसा लगता है कि आत्मा को समझे बिना, तत्व को समझे बिना का बिगड़ रहो, दुकान चल ही रही है, घर चल ही रही हो अपने जाकी था। अरे भैया, आत्मज्ञान के बिना स्वर्ग में भी सुख नहीं हो सकता। जो विमान वासी उठा सम्यक दर्शन बिन दुख पार। आत्मज्ञान हो तो नरक में भी दुख नहीं हो सकता। आत्मज्ञान सुख का नियामक कारण है। देखो शास्त्री बात कहें, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ज्ञान में सुख शक्ति भी उछलती है। जो ज्ञानी होता है वह सुखी भी होता है। ज्ञानी को पाप के उदय से शरीर में रोग हो सकता है, प्रतिकूलता आ सकती है, उपसर्ग हो सकती है, लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता। यहां ज्ञानी का अर्थ शुष्क ज्ञानी मत लेना, भेद ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञानी दुखी नहीं हो सकता। अभी हम सुदर्शन सेठ के चरित्र पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। उस सेठ के घर में सुदर्शन का पिता एक ग्वाला रहता था, गाय चरा करके शाम को लौट रहा था। उसने देखा जंगल में एक मुंडराज शिला के ऊपर बैठे हैं, सर्दी का समय है। ओ भैया, इनकी रात कैसे कटेगी, इनके पास तो कछु नहीं है। अब क्या कहें, अज्ञान में यही होता है, कैसे कटेगी? आपको मालूम नहीं है, कटेगी तो है ही, भेद ज्ञान होगा तो आनंद से कटेगी, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो क्लेश से कटेगी। कटेगी तो है ही, जीवन तो पूरा होगा ही, जीवन सार्थक करना है, जीवन को अपना सार्थक बनाओ, सफल बनाओ। लाख, दो लाख, चार लाख छोड़ के कम मर गए, बस में क्या फर्क पड़ेगा, लगे हैं उसी में। अपना धर्म कार्य छोड़ करके नहीं, प्रातः काल उठो। सोचो मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है, कितने जीवों को मिलती है। जिस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देव तरसते हैं, इंद्र तरसते हैं कि हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए, और तुम्हें इस मनुष्य पर्याय को छोड़ करके वैसे ही कमा रहे हो। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं समझना, भाई सोचो, नहीं अच्छी बात नहीं। ये कथाएं तुम्हारी कहीं नहीं रहने देंगे और कहीं का नहीं रहने देंगे, कहां रहेंगे हम?
ग्वाले ने देखा इनकी रात कैसे कटेगी। क्यों भैया कैसे कटेगी? आनंद से कटेगी। क्षमता रसपान किया करते सुख दुख दोनों के। उन जिन मुंडाज के अंतर में भेद ज्ञान बढ़ता है, देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन जिन्हें क्षण क्षण हो रहा है, प्रचुर संवेदन जिनकी संपत्ति है, सहचरी है, उनको क्लेश का क्या काम? ग्वाला ने आकर के घर कहा अपने और लौट करके चल दिया वहीं मुनराज के पास। चलो भाई, ये देखा तो ओस से सारा शरीर भीग गया। शरीर को पहुंचा, नाना प्रकार के उन्हें साता उपजाने के लिए, बेचारा जो जानता है साता का उदय तुम केवल अघाटिया कर्म में जानते हो, असाता का उदय अघाटिया कर्म में जानते हो। दुकान चल गई तो साता को पुण्य का उदय, और नहीं चल पाई तो पाप का उदय। अरे ये क्या मतलब? हमारी बुद्धि धर्म कार्य में लगे ये भी पुण्य का उदय है, हमारी बुद्धि विषयों में लगे ये पाप का उदय। क्यों भाई? ज्ञानवर्ण कर्म भी इसमें पुण्य पाप नहीं होते, ये पाप रूप ही होती हैं। घातिया कर्म की 4700 प्रकृतियां केवल पाप रूप होती हैं, पुण्य रूप नहीं होती। हमारा उपयोग धर्म कार्य में बहुत से लोग कहते मन नहीं लगता, और विकथा में खूब मन लगेगा, व्यसनों में खूब मन लगेगा। अरे सोचो, दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, विषयों में व्यसनों में विकथा में गमाने लायक नहीं है। तुम्हें प्यास लगी और एक गिलास पानी मिल जाए और उठा के नाली में फेंक दो, हैं? और अपने को चतुर मानो, हंसो और वो सेठ तो पुराना जमाना था और वो सुलग रहा था अग्नि को, अग्नि सुलग नहीं रही थी। वो भीतर सोचा तेल ले आए कछ और इसको अग्नि को सुलगा लें, ताप के और नोट गिनते रहेंगे। तब तक उसका छोटा सा नाती था, वो उसने एक नोट की गलती उसमें डाल दी, बोला बाबा हमने जला दी। अब क्या जला दिया, क्या जला दी? आग ही जला दी कि नोट की गड्डी जला दी? हमें यही नहीं लगता हमारी मनुष्य पर्याय कहां जा रही है, हमारी बुद्धि कहां जा रही है। प्रातः काल उठ करके रमुकार मंत्र का स्मरण करना, पंच परमेश्वर का ध्यान करना, विचार करना कि ये इनका जो मार्ग है वही हमारा मार्ग है, यही मार्ग अंगीकार करने लायक है। आप पढ़ते हो, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरी, धन नग्न पर तन नग्न ठाड़ी, सुर असुर पैन पड़े। छह खंड का चक्रवर्ती भी तब सुखी हो पाया जब निर्गंत हुआ। अरे गृहस्थ जीवन तो ये समझो परचूनी की दुकान है, मेहनत बहुत है कमाई कम है, और निर्गंत जीवन ये रत्नों का व्यापार है, मेहनत कम है और फल बहुत है। ग्वाला देखता रहा, उस पहुंचता रहा, तपाता रहा, वहीं रहा। सवेरे बुंडाज का ध्यान खुला, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पंच नमस्कार मंत्र दे दिया। जाओ भाई, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करना। अर्थ ग्वाले का जीवन बदल गया, एक उद्देश्य सुना जीवन बदल गया। हमारी रुचि नहीं बदल पा रही, बस सुन लिया ठीक है, अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो चाय वाले को चाय के बिना नहीं लगता, बीड़ी वाले को बीड़ी के बिना नहीं लगता, उसमें क्या है? ये प्रसन्न होने का मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो अनंत काल तक प्रसन्न रहने का उपाय है।
नमो का हनुमंत्र दिया। एक दिन गाय चराने जा रहा था, चराते चराते पीछे से लौटा, एक बीच में पानी का नदी नाला पड़ता था, एक गाय उधर चली गई, वो भी घुस पड़ा उसे निकालने के लिए और ठूंठ पेट में घुस गया। उसके ज्ञान में तो मुनराज के वचन घुसे थे, कौन दुर्गति कर सके। वह जाकर के स्वर्ग में देवभूता निश्चित, लेकिन उसका निदान उसी सेठ के घर में जन्म ले लिया पुत्र के रूप में। उस पुत्र का नाम सुदर्शन रखा, बाद बाकी आप पढ़ लेना। हमारा मतलब है एक दिन उपदेश सुना और सारा जीवन बदल गया। जीवन बदलने के लिए बहुत काम नहीं चाहिए, बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, ऐसे सुखी रहने के लिए बहुत धन थोड़ी चाहिए। सुखी होने के लिए संतोष चाहिए, सामग्री नहीं, और संतोष के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। सामग्री में संतोष कहाँ है, तस्ना नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। क्या करोगे? आपको याद होगा पुराना दृष्टांत, अगर पंगत में तुम्हारी पत्तल पर कोई 50 पूड़ी रख दे तो आपके मुंह से एकदम निकल पड़ेगा, इतने का क्या करेंगे? कोई कहलवाएगा नहीं, क्या कहोगे इतने का क्या करेंगे जी, काय को पूरी डाली पटक दी, चार पूरी खाना की भूख है और 50 पूरी रख दी तुम्हें, और अपने जीवन में कभी याद नहीं करेंगे, इतनी सामग्री का क्या होगा? इतने छेवसम का क्या करेंगे हम? छेवसम बढ़ाने में लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अरे भैया अध्ययन नहीं, स्वाध्याय करो। हम कहते हैं आमना की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, भगवान की पूजा कौन करेगा ये मत सोचो। तुम नहीं करने, हम नहीं करोगे तो तुम्हारा ही समय जाएगा कहीं दूसरी जगह। अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए तुम अपनी भगवंतों की पूजा करो। गर्धर इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, अपने हित के लिए बेकली है, अरे तो बेकली है, उनका पेट भरेगा। तुम करोगे तुम्हारा पेट भरेगा। भोजन कभी करते समय ये सोचते हो जी कर लेंगे? अरे भाई भोजन करना हम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, जी करेंगे तो इनका पेट भरेगा, सीधी ही बात है। हमारे परिणाम निर्मल होंगे तो हमारा हित होगा, इनके परिणाम निर्मल होंगे तो इनका हित होगा। हम कहते कई बार पूजा करने वाले से पूजा के सुनने वाले का भाव ज्यादा निर्मल हो जाता है, सुनते सुनते विचार करने लगा और अनुमोदन करने लगा, ओहो देखो धन्य इनकी पूजा को। प्रभावनांग में लिखा है समंतभद्र स्वामी की, रत्नकंड सावकाचार्य की वचन काम है, सदा सुखदास जी इनकी पूजा को धन्य है और इनके वात्सल्य को धन्य है। कितना धर्म प्रेम, इनकी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ता को धन्य है, इनकी अहिंसा के प्रति आस्था को धन्य है। प्राण जाते हो किसी जीव की विराधना नहीं करे, रात्रि भोजन अयोग्य भोजन भूखे रहने पर भी नहीं करते। भूल मत या पुराने लोग चले गए, कोई बात नहीं चले जाने दो, तुम भी पुराने हो गए। भूल मत या यह तन जावे तो जावे मेरी उत्तम क्षमा मन।
यतन जावे तो जावे, मेरी उत्तम बिना नहीं जावे। भूल मत या, ये भूलने लायक नहीं है। आत्मा को भूल करके तो दुखी हो रहे हो, आत्मा को भूल करके दुखी हो रहे हो, उसका व्यवहार क्या है? व्यवहार ये है, तत्वों को भूलकर, देव साथ गुरु को भूलकर, भूल गए न भगवान ने क्या कहिए। हम ये कह रहे हैं, कल से ऐसा लग रहा है, देखो ऐसा ही रोज हो तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे, क्या बात है, हम और तुम दोनों तो हैं। बात बाकी तो ये सब व्यवहार की व्यवस्था है, इसमें क्या है? और व्यवस्था भी अपन नहीं करी हुई है, पुण्य के उदय की बनी हुई है। तीर्थंकर का संभूषण होता है, तीर्थंकरों को छोड़कर की संभूषण की रचना करना चाहो तो कैसे करोगे? तुम्हें मालूम है कुबेर क्या कहता है? धनपति देवलोक का कोषाध्यक्ष, हे भगवान हमारी विक्रिया में 170 तीर्थंकर का समोषण बना दें, ऐसी विक्रिया शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन आपके बिना नहीं कर सकते हम। ये सब महिमा आपकी है, आपके पुण्य प्रताप से ये रचना हो रही है। आप ये सोचो ऐसी व्यवस्था हम करेंगे? अरे हम नहीं कर पाएंगे, ये महिमा इनकी है। ऐसा विचारने से क्या होगा, हमारी कथाएं मंद बनेंगी, हमें कभी स्वप्न में भी कर्तत्व का अभिमान नहीं होगा। हम कहते हैं अपने देश की ये संस्कृति है, कोई दुकान पर भी पूछता है, कहो बेटा कैसा हाल है, आपकी कृपा है। का दुकान वो चला रहा है, लेकिन आपकी कृपा कह करके हम अभिमान से बचे। और ये बात गलत भी नहीं है सर्वथा, क्यों? आपकी कृपा, कृपा मुफ्त में नहीं होती, लात मारते जाओ और कृपा हो जाए, कृपा होती है पुण्य के उदय से। जिस परिणाम से कृपा होती है उस परिणाम को देखना, उस परिणाम पुण्य का फल है, ये बाहर की अनुकूलता होना। हम कहते दुकान पर भी आपको सफलता मिलेगी जिनवाणी से। कैसे? जिनवाणी पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हारा चित्त शांत रहेगा, तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारा अभिमान नहीं होगा, तुम्हारी कसाएं तीव्र नहीं होंगी, व्यवहार अच्छा रहेगा, प्रामाणिकता रहेगी, कभी लोभ लालच में नहीं फंसोगे, अपने आप चले। वृक्ष के मूल को सींचते हुए पूरा वृक्ष हरा भरा अपने आप रहता है। जोसु सींचे मूल को फूले भरे अगार। और एक एक पत्ते को एक एक फल को सींचने जाए तो कब तक सींच पाएंगे? मूल में सींचेंगे तो पत्ते फल फूल अपने आप हरे भरे रहेंगे। जेठ की दोपहरी में भी उन्हें सुखाने वाला कोई नहीं है। विचार करो, हम कितना अटकलें लगा लेते, कितना सोच लेते हैं। जंगल में भी रामचंद्र जी गए, वहां आहार बना, चाहे बजरंग हो चाहे रामचंद्र जी हो, तो भी उन्हें उस समय मुनराज की याद आई, कोई मुनराज आवे तो हमारा ये श्रम सार्थक हो जाए, हमारा आहार मोक्ष मार्ग के निमित्त लग जाए। जंगल में हम का सोचत रहते हैं, हमारे चौका छोड़ रो है, हमारे वे अच्छे नहीं है, हमारे वो नहीं है, अरे जंगल से भी ज्यादा है,
मन छूटा मत करो। बहुत बड़ी पूंजी है अपने पास। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने के लिए, गुरुओं की भक्ति करने के लिए, शास्त्र की भक्ति करने के लिए बहुत छयोसम नहीं चाहिए। हमारा गलवा छो नहीं, अरे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम कह रहे धन कुमार ने पांव पकड़ लिए और कौन सी नवदा भक्ति कर ली है भाई। धन कुमार के जीव ने अकृत पुण्य ने पांव पकड़े उन मुनराज के, कौन सी भक्ति कर ली है। अरे आप कहो कि कौन सी भक्ति कर ली, हम कह रहे कौन सी भक्ति रह गई, सबरी भक्ति हो गई। अब देखना, कल हमने एक बात कही थी, आप तो चुप रहने की आदत है, चुप रह जाओगे बुरा मान जाओगे हर जाओगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन ध्यान रखना, सवेरे भी कहा था अब भी कह रहे हैं हम, तीन लोक में कहीं शरण नहीं है, केवल चार ही शरण होते हैं तीन लोक में। तीन लोक में समुक्त के अलावा कहीं सुकार नहीं है, कहां जाओगे क्या करोगे, चले जाओ। कसायों को छोड़कर के जाओगे तो सुखी होगे, कसायों को लेकर के जाओगे तो जहां जाओगे वहां कसायों का फल भोगोगे, कुछ नहीं होगा। क्षेत्र परावर्तन कहीं नहीं गए, अच्छा ऐसी जगह जाओ, जाओ चले जाओ, ऐसी जगह जाना जहां कभी नहीं गए हो। बोलो है कोई जगह, लोकाकाश में चौदह राज तंग नवलोक पुरुष संठान, यहां में जीवन आते भरमत है, ऐसी एक जगह नहीं है जहां जीव क्षेत्र परावर्तन करते हुए अनंत बार नहीं गया हो और धर्म के बिना सुखी दुखी नहीं रहा हो। इतना स्थान नहीं है, कहां जाओगे। अब तो ऐसा मन होता कहीं चले जाओ, कहां जाओगे। उदय प्रमाण सामग्री है, परिणाम प्रमाण शांति है, यहां यथा संभव आनंद है। जितनी समता है उतना सुख है, जितनी समता नहीं है जितनी ममता है उतना दुख है। अरे घर में भी तुम्हें तुम्हारा मोह दुखी कर रहा है और यहां भी मोह को रख के बैठेंगे तो यहां भी दुखी होंगे। हम कहां बैठे हैं ये मत सोचो, हमारे परिणाम कहां चल रहे हैं ये सोचो, हम सोच क्या रहे हैं ध्यान रखना। अंतर के परिणामों का धर्म है ये, बंध मोक्ष परिणामन सोही कह सदा श्री जिनवर बाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल हो मत सार। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने ये रचना की है यागमंडल विधान की, परिचय भी नहीं होगा इनको तो, और परिचय करोगे तो क्या करोगे, उनके लड़का है उनके पिताजी उनके बे हैं उनके बे हैं, ऐसे परिचय करोगे क्या होगा। चेतन चित परिचय बिना जब तब सवे निरंत, कणविन तस्को कोटता कछु ना आवे हत। हम कह रहे आप पढ़ रहे हो एक एक श्लोक में ये लग रहा है, चलो इसी की व्याख्या कर दो, कैसे इसी को समझ लो, अच्छा चलो जाइए ठीक है देख लो कहा है। मतलब मिस्री का एक एक कण मीठा है, अध्यात्म का एक एक कण सरस है। यही शांत राग रुचवी परमाणु विश्वम, जिन परमाणुओं से शरीर बना है भगवान, ऐसा लगता है ये परमाणु भी उतने ही थे, शांत के परिणाम है। उनकी शांत मुद्रा को देख करके एक छंद आया था इसमें, मरगी खाज खुजा रही, ऐसे बैठे हैं। कालगुप्ति माने कायाकृत विकृति से गुप्त हो गए, ऐसे स्वरूप में गुप्त हो गए जहां काया का कोई ध्यान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, शरीर रहे अथवा जाए।
काहे गुप्ती बचन गुप्ती बच बोलने बोल बिगा रहे कौन सो हम अपने बैठे अब नहीं मान लो गुप्तियों के निषेधात्मक अर्थ होते हैं शरीर मन वचन काय की ओर से, लेकिन पॉजिटिव अर्थ होता है आत्मा की ओर से। उस गुप्ती का ही नहीं समिति का चाहे व्रतों का चाहे कई का धर्म आत्मा का स्वभाव है। कुंदकुन स्वामी ने कहा धर्म मोह क्षोभ रहित साम्य भाव का नाम धर्म है। धर्म आचरण कहते हैं, चर्चा को धर्म नहीं कहते। चर्चा को भी उपचार से धर्म कहते, लेकिन क्षमा रूप आचरण, विनय रूप आचरण, सरलता रूप आचरण, संतोष रूप आचरण धर्म के 10 लक्षण हैं। इस 10 लक्षण के धर्म जो कहे गए हैं वो किसके भेद हैं? प्यार के भेद हैं। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक हो रहे, सेवकों के एक देश हैं और वे ही धर्म मुनिराज के सर्वदेश हैं। अपने बारे में सोचो, अपनी ओर देखो भाई, हमारा क्या होगा? आज जो परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों का फल आएगा, संयोग की का फल आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं जानते। एक पहले चर्चा की थी, बस इतना ही कहेंगे, टाइम आपका हो गया। विचार करो, जिद करके भोजन बनवा के आयो का तो खीर ही खाएंगे, जरूरी नहीं है पहुंच जाओ और खा ले। जिद करके कपड़ा बनवाए जय झिलवाओ मैं तब हम रोटी खाएंगे, वो पहन ले जरूरी नहीं है। बड़ी लगन से मकान बनवाओ उसका उद्घाटन भी कर पाओ कि नहीं कर पाओ कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ये सब अध्रुव है। लेकिन जिस परिणाम का फल भोगोगे अवश्य ही भोगोगे। जिसने अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त का बीज बोया, सम्यक्त का बीज बोया, बीज बो तब अंकुर आएंगे। चनान योग की भाषा बोने की करने की है। अपने को ज्यादा होशियार मत समझो, हम तो दासान दास हैं। ज्ञान का खजाना तो ये है। अरे तुम्हारे भीतर वह सहज ज्ञान है जिसके आशय से केवल ज्ञान होता है, लेकिन उस सहज ज्ञान को पहचानने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, ये तो सोचो। और उसके ज्ञान के बिना, सहज ज्ञान के बिना उस ज्ञान का क्या मूल्य है? चुपचाप तुम्हारी जेब में 100 रुपया की जरूरत हो 500 रुपया डाल दे, अब तुम तो चिंता ही में पड़े रहोगे जब तक उसका पता नहीं पड़ेगा कि हमारी जेब में पड़े हैं। सोचो, इन भगवंतों का विश्वास मत हमेशा रखना, कभी अविश्वास मत करना, कभी शंका मत करना। जिन बच में शंका न दा, इसमें हमारा हित होगा, होगा ही होगा। तत्व यही है, ऐसा ही है, नन्य है, नन प्रकार है। हमेशा निशंक रहना, हमारे दुखी होने में सुखी होने में पर का दोष लाभ कुछ नहीं हो सकता, पर का कोई हस्तक्षेप नहीं। न कोई पदार्थ हमें सुखी कर पाएगा और न कोई दुखी कर रहा है। केवल अपनी भूल से, केवल अपनी गलती से हम दुखी हैं। अगर इतनी बात सोच ली तो हमारा उपयोग पर की ओर से समेट जाएगा और हमारा उपयोग भी उन ज्ञानियों की तरह आराधना में लग जाएगा, ज्ञानाभ्यास में लग जाएगा। चाहे कोई विपत्ति आई और वे लग गए अपने धर्म ज्ञान में, इसका मतलब क्या है?
सर्व विपत्तियों का समाधान यहां है। अगर यह छोड़ोगे, उस दिन क्या कहा था, अगर जिन वचनों को ठुकराओगे, जिन मंदिर की देरी को छोड़ोगे, तो दर दर की ठोकर खाओगे। कभी ये मत सोचना ना, ये तो ज्वाइन है, हम क्या करें, क्या करें, इन जान आलसहान साहसान यह स्वीकार करो। हम अकेले अकेलो चना का भार फोड़ सकते हो? अरे भैया भार तो नहीं फोड़ने, कर्म फोड़ने हैं। अकेला चना भार फोड़ नहीं सकता, तुम्हें भार फोड़ना भी नहीं है, तुम्हें तो उन कर्मों की निद्रा करनी है जिन कर्मों के उदय से ये अवस्था हुई है। परिणाम शांत होने पर कर्म शांत हो जाएंगे, कर्म शांत होने पर विघ्न भी शांत हो जाएंगे। खटका बंद करोगे लट्टू अपने आप बंद होगा, खटका चालू करोगे लट्टू अपने आप चालू होगा। यहीं से वहां जाने की जरूरत नहीं, ऊपर इतना ऊंचा कैसे हम बुझाएंगे, इसको कैसे चलाएंगे, इसकी एक विधि है निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना। जिन वचनों का कभी अनादर मत करना, असद्धान न करना। कुंद कुंद स्वामी क्या भावना भा रहे हैं, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य में, सुनकर वचन उसके अरे ना भक्त हो जिन मार्ग। अगर कोई ईसा भाव से मात्सर्य भाव से इन वचनों का अनादर भी करे निंदा भी करे, तो उसको सुनकर के हमें जिन वचनों के प्रति अनादर न हो जाए, अभक्ति न हो जाए। अगर हमारे हृदय में भक्ति बनी रहेगी, सोचना क्या कहें, हम कितना कहें, ऐसा लगता है शुरुआत ही नहीं है, कहीं अंत नहीं है। शुभम चक्रवर्ती के हृदय में अगर भक्ति बनी रहती और रामकरण नहीं मचाता, क्या उसकी ताकत थी वो मार देता उसे? उसकी भक्ति गई, मरण का प्राप्त हो गया। एक साधारण व्यंतर चक्रवर्ती को मारे, जिसकी एक एक रत्न की सेवा हजारों देव करते हैं, एक एक रत्न 14 रत्न होते चक्रवर्ती, एक एक रत्न की सेवा हजार हजार देव करते हैं, और वो एक साधारण सा व्यंतर उसे मार दे। ये क्या है, अगर हमारे हृदय से भगवान की भक्ति निकल गई तो समझ लो हम सूने हो गए, बाद बाकी क्या है कुछ होता रहे, होने दो। कभी अभक्ति नहीं हो, कभी अश्रद्धा नहीं। जिन बच में शंका न धार, यहां से शुरुआत है अपनी, हमें बुद्धि नहीं है। अरे बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, जब बिना पढ़ा लिखा हुआ इलाज कर सकता है तो भवरोग का इलाज क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अपनी बुद्धि लगाए अलग से अलग से अलग से अलग से तो इलाज नहीं कर पाएगा। वैद्य कहता जाए वैसे ही करता जाए, भगवान कह रहे हैं वैसे ही करते जाओ, इन 5 व्रतों का पालन करो, 4-5 समितियों का अभ्यास करो, कहते चले जाओ, अंदर में श्रद्धा रखो। ये धर्म की परंपरा कैसे चलेगी, कभी कभी ये भी भाव आ जाता है, लेकिन हम आपसे कहते हैं इसकी चिंता मत करो, हमारे परिणाम निर्मल कैसे होंगे ये सोचो। निर्मल परिणाम वालों के द्वारा धर्म की परंपरा अपने आप चलती रहेगी। निर्मल परिणामों के सहारे धर्म की परंपरा बिना चलाए चलेगी? तुम भाषणों से नहीं सिखा पाओगे, तुम्हारे जीवन को देख करके सीख जाएंगे।
जिन बच में शंका न रहा, शंका मत करो, भयभीत होने की बात नहीं है, भयभीत करने की बात नहीं है, ए शंका नहीं करने शंका, अरे शंका समाधान तो गुण है, प्रश्न नाम का स्वाध्याय का एक अंग है, आपको समझ में नहीं आता तो भी हाँ मत कर देना, लेकिन ना मत करना। हमारी समझ में नहीं आती, हमारी बुद्धि भले कमजोर हो लेकिन किसी की समझ में आती है कि नहीं आती, चलो उसे पूछें। कभी अपने को ये मत सोचना हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ में क्यों नहीं आती। हम जब पूछते हैं दाल में घुला हुआ नमक, पानी में घुला हुआ नमक अपने समझ में आ जाता है, मिर्ची समझ में आ जाती है जब कम है ज्यादा है, तो अपने परिणाम उससे भी सूक्ष्म है। समझने की गरज हो तो समझ में आती ही है, समझने की गरज न हो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान माने बैठा हो, मायाचारी को होशियारी माने, तब तक समझ में नहीं आई। आचार्य भगवंतों की पूजा भक्ति बहुमान आचार्य पद प्रकट करने का साधन है, पहली सीढ़ी है। जब भक्ति नहीं होगी तो आगे कैसे चलोगे। आचार्य पद प्रकट करने योग्य उपाधि है, प्रकट करने योग्य उपाधि है, और केवल आचार्य पद ही नहीं, पांचों पद प्रकट करने योग्य उपाधि हैं। तो फिर बोलो आगे क्या कहना है। आश्रय करने योग्य उपाधि तो उससे आगे होगा। हम कहते एक भाई थे, अब तो शांत हो गए, ऐसे ही बैठे, दैनिक स्वाध्याय चल रहा। हमने कहा उपाधेय क्या होता है, हे क्या होते। बोले उपाधि संबंध नजर मोक्ष होते, हे आश्रय बंद होते। हमने शाबाश, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बताओ जीव तत्व तो, संबंध नजरा मोक्ष उपाधि है तो जीव तत्व का क्या होगा। बोले अब इधर देखा था है। बोले वो बहुत से बड़े उपाधि हुए, सब हंस के रह गए। आश्रय वाश्रय नाम नहीं आते। हमने कहा तुम्हारा कल्याण हो गया, उससे भी बड़ा उपाधि। अरे वो तो अपने पास चून है, रोटी नहीं है, ये समझो। जब चून रखो है, आटा रखो है, तो रोटी का कमी है, अब बनवारी है। ऐसे सम्मान निर्णय मुक्त प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मदृष्टि तो आए, अपनी दृष्टि अपने ओर आई, ये सम्यक दर्शन हो गया। अपनी दृष्टि अपने को समझा, ये सम्यक ज्ञान हो गया। अपना सुख अपने में समझ लिया, सम्यक ज्ञान हो गया। और अपने में मग्न हो गए, सम्यक चारित्र हो गया। कौन बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी आपको क्रम से अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रम यहीं से शुरुआत होगी, समझने लायक को समझो, करने लायक को करो, छोड़ने लायक को छोड़ो। क्या मतलब है। ठीक, हम नहीं छोड़ेंगे तो जे छोड़ देंगे हमें शरीर वगैरह, छूटेगा शरीर, और किसी की क्या एक दिन एक देह जुदा होगी, आत्मा ही जुदा नहीं होगा। हमारा रत्न तिरन नहीं छूट पाए, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिला। विचार करना, धर्म का सेवन माने धर्म का श्रद्धान ज्ञान आचरण अपने कल्याण के लिए है, किसी दूसरे पर एहसान करने के लिए नहीं है। हम ही वंचित रहेंगे, कहाँ रुक जाए हमारे बिना। इसका सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत आपको दिया था कि कितने तीर्थंकर मोक्ष चले गए और तीर्थ आदमी चल रहा है। अब जैसे बड़ो दृष्टांत क्या देंगे। जब तीर्थंकरों के बिना तीर्थ चल रहा है तो हमारे बिना कहाँ रुके वो। हम क्यों चिंता करें। निश्चिंत होकर के आराधना करो और निश्चिंत होकर के प्रस्थान करो। ओम नमः शिवाय।
एक बालक ने तो गलती की, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए रोटों की कट्टी लगाई और हंस रहा है, ये उसका पात्र था। लेकिन ऐसी गलती हमसे ना हो जाए कि दुर्लभ मनुष्य पदार्थ को पाकर के भी विषयों में अपनी कथा बर्बाद कर दे, ये बहुत बड़ी भूल हमारे जीवन में हो जाएगी। इसलिए इन सब से बचने के लिए ये देवता पूरी तरह से पूजन का स्वाध्याय का नियम बनाए और अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ऐसी मंगल योजनाएं बनाएंगे व्यक्ति स्वाध्याय के लिए।